हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बी एन आई एस ऑफिसर। आज हम अपनी वीडियो में मुगल सम्राट बाबर के बारे में बात करेंगे। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? और यह क्वेश्चन SSC 1998 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर उमर शेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब हुआ था? और इस क्वेश्चन को SSC 2007 में पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शंस हैं 1483, 1484, 1482 या फिर 1485। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1483। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शंस मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी, अकबर या फिर उमर शेख मिर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? इस क्वेश्चन को SSC 2002 में, RRB ASM 2005 में पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फरगाना या फिर कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फरगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? और इस क्वेश्चन को SSC 2002 में पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शंस हैं 8 जून 1494, 6 जुलाई 1493, 4 जून 1494 या फिर 7 जुलाई 1493। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 जून 1494। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? और इस क्वेश्चन को SSC 2001, UPPCS में एम मेंस 2002 में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस हैं 1506 ईस्वी, 1507 ईस्वी, 1508 ईस्वी या फिर 1509 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1507 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? ऑप्शंस 1525, 1526, 1527 या फिर 1528। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के कितने पुत्र थे? और इस क्वेश्चन को SSC RRB 2011 में भी पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शंस हैं 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र या फिर 5 पुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 पुत्र। सबसे पहला हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी और फिर हिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? और इस क्वेश्चन को RRB CC 2006 में भी पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर या फिर बहादुर शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? इस क्वेश्चन को RRB 2006 में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शंस हैं उदंडता के लिए, बुद्धिमानी के लिए, उदारता के लिए या फिर विजयी के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदारता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? इस क्वेश्चन को CPO SI 2003 में भी पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शंस हैं 30 जनवरी 1528 ईस्वी को शिकार पर जाने के कारण, 30 फरवरी 1526 ईस्वी को जहर दे देने के कारण, 30 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध के कारण या फिर 30 जनवरी 1529 को युद्ध में हार जाने के कारण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 फरवरी 1526 को जहर दे देने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? और इस क्वेश्चन को AAO 2001, CPO AC 2003 में भी पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1530 नई दिल्ली में, 26 नवंबर 1532 को पाटलिपुत्र में, 26 दिसंबर 1533 को काबुल में या फिर 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? इस क्वेश्चन को RRB ASM CG 2001 में भी पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शंस हैं आगरा के आराम बाग में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर जामा मस्जिद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
आगरा के आराम बाग में, सबसे पहले जहाँ पे बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा के आराम बाग में, लेकिन कुछ समय के बाद बाबर के शव को काबुल में दफना दिया गया था जो कि उसका मनचाहा प्लेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपनी डायरी में लिखा था? और इस क्वेश्चन को CPOSI 2003 में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? और इस क्वेश्चन को SSC 2001, 2002 में, 2009 में, UPPSCM 2012 और 2015 में भी पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं अरबी, हिंदी, उर्दू या फिर फारसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकामा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? और इस क्वेश्चन को BPSC 1996 में भी पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध या फिर चंदेरी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पानीपत की प्रथम लड़ाई। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? और इस क्वेश्चन को SSC 2007 में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं गुप्त वंश, मौर्य वंश, लोदी वंश या फिर गुलाम वंश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोदी वंश, और इब्राहिम लोदी को हराकर ही उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा को किस पुस्तक में दर्शाया गया है? और इस क्वेश्चन को SSC 2003, RRB ASM 2006 में भी पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शंस हैं हुमायूं नामा, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए बाबरी या फिर शाहजहांनामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुजुक ए बाबरी, और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 बार। नेक्स्ट, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शंस अब्दुल रहीम खान खाना, कामरान, अस्करी या फिर हिंदाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना ने ही फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 17 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 7 मई 1526 ईस्वी को या फिर 11 जुलाई 1526 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस 17 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 17 मार्च 1527 ईस्वी को, 18 मई 1524 ईस्वी को या फिर 20 जून 1527 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस 29 जून 1528 ईस्वी को, 17 जून 1528 ईस्वी को, 14 जून 1529 ईस्वी को या फिर 20 जुलाई 1530 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 जून 1528 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस 4 मई 1529 ईस्वी को, 7 मई 1529 ईस्वी को, 6 मई 1529 ईस्वी को या फिर 10 मई 1529 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 मई 1529 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शंस सिकंदर लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शंस मेदिनी राय और बाबर के बीच, अफगानों और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच या फिर हुमायूं और बाबर के बीच।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राणा सांगा और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शंस, मेदिनी राय और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, विक्रमजीत और बाबर के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेदिनी राय और बाबर के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शंस, अफगान और बाबर के बीच, मेदिनी राय और बाबर के बीच, विक्रमजीत और बाबर के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफगान और बाबर के बीच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।